हाय दोस्तों, वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया। ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं इसके बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि खास करके इस टाइप की जो इम्पोर्टेड CO2 गन्स हैं अब इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है, पहले बहुत कम थी, और जिनको जो कि पहले लोग इस्तेमाल नहीं करते थे या जो लोग पहले इस्तेमाल करते थे उन्होंने बाहर इस्तेमाल किया हुआ था तो उनको नॉलेज था। अब इंडिया में बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने बाहर का नहीं देखा है और वो कभी खरीद लेते हैं तो उनको बहुत सी अवेयरनेस नहीं है, बट दे कैन अफोर्ड तो बाय कर लेते हैं। और उनमें से बहुत से लोगों ने गन को अपना खराब कर लिया होता है या खराब किया है। ये मैं अपनी क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों ने कहीं और से खरीदा है या लोकल मार्केट से खरीदा है या किसी और डीलर से खरीदा है और उनका गन खराब हो जाता है, तो वो हमें कॉल करते हैं कि सर क्या आप हमारा गन रिपेयर कर सकते हैं। जनरली जो हमारे क्लाइंट्स हैं 99% क्लाइंट को गन्स में दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जब गन बेचते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन का मैनुअल बेचते हैं। यूट्यूब पे भी जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और या फिर किसी ने हमारा वीडियो देख कर गन खरीदा है, चांसेस आर उनको गन में खराबी नहीं आती है, उनको यूज़ करना प्रॉपर तरीके से आता है, उन्होंने हमारे वीडियोस में देखा होता है कैसे यूज़ करते हैं। बट जो लोग कहीं और से खरीद लेते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है ताकि अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। होता क्या है गन, इन गन्स में क्या दिक्कत है? पहली बात, क्या ये गन्स खराब होती हैं? हाँ, ये भी एक गन है। पहले मैं वीडियो में बोला करता गन खराब ही नहीं होती थी, या फिर कई बार मैं वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये गन्स जो है अगर आप गलती से भी खराब करोगे आपकी गन जो है बर्बाद हो जाएगी। बहुत दिनों से मैं वीडियो में नहीं था और मैं वीडियो में नहीं आता था, जो हमारी टीम बनाती थी वो इसको मेंशन नहीं करते थे, वरना मैं जब वीडियो बनाता था तो हर बार मेंशन करता था कि अगर आप इन गन्स को ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए की गन जो है मिट्टी हो जाएगी। तो लोगों को समझ में नहीं आता था, उनको लगता था कि मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप गन प्रॉपरली इस्तेमाल करो। रीजन क्या है और क्या क्या इस गन में दिक्कत आने वाली है, इस वीडियो में पूरी बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे नहीं। दूसरा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे अपने जो है सुझाव दीजिएगा, अपने जो है बताइएगा आपको क्या लगता है। तो ये गन्स खराब होती है, कब ये गन खराब होती है, ये सवाल जो है ना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि कार की तरह है, कार कब खराब होती है? कई लोग शोरूम से लाने के बाद ही कार को ठोक देते हैं और कई लोग जो है सालों साल चलाते हैं, और कई बार गाड़ी को एक सर्टन टाइम के बाद जो है उसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज जो मुझे इस बिजनेस में अराउंड 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और गन का लवर तो बहुत पहले से हूं, जहां तक मैंने देखा है अगर आप इन गन्स को अच्छे से चलाओ, अच्छे से इस्तेमाल करो, जिस क्लाइंट को मैंने 10 साल पहले भी बेचा है अभी भी उनकी गन जो है सही सलामत है। अगर आप इन गन को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, सही ढंग से चलाते हो, 99% चांस है कि आपकी गन ये खराब नहीं होगी। खास करके जो महंगी गन्स हैं, जो खास करके जो 40-50 हज़ार वाली गन होती है, मतलब बरेटा ओमरेक्स, ये खराब नहीं होती है। और अगर खराब होता है तो क्या खराब होता है, किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला गन इन CO2 गन्स में होता है वो लीकेज का होता है, गन आपकी जो है लीक करने लगता है। क्यों करने लगता है अब आगे हम बात करेंगे। गन दो तरह के लीकेज होता है, एक ओवर द टाइम, आप जब गन को चला रहे हो तो हो सकता है 10-15 साल बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और एक टाइम के बाद हम जैसे नई गाड़ी है तो हम लोग बड़े ध्यान से निकालते हैं, फिर एक टाइम पर हम सोचते हैं चलो ठीक है कहीं भी पार्क कर दिया, धूप में रख दिया। अगर आप इन गन की प्रॉपर केयर नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज करके रखोगे या गन बॉक्स वगैरह में नहीं रखोगे, तो ओवर द टाइम क्या होता है, इसके अंदर जो सील वील है उसके अंदर वेयरनेस आ जाती है, वेयर एंड टियर आ जाती है, तो ये गन लीक करने लगता है। अब ये किस गन में मैंने देखा है, मुझे बरेटा वगैरह में या जो है पिस्टस वगैरह में कम देखा है, CO2 गन्स में जैसे ये गन है GAMO PR25 का या डेनवेसिन का, ये 5-6 साल के बाद जो है अंदर का एक वॉल्व है वो लीक करने लगता है, अगर आप उसको प्रॉपर केयर ना करो। ये भी मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ,
99% में से 1% लोगों का आता है और वो रिपेयर हो जाता है, मतलब जो हमारे क्लाइंट हैं हमने उनके रिपेयर करके दिए हुए हैं, खास करके डेनवेसन टाइप की जितने भी मॉडल्स की रिवॉल्वर हैं उनकी जो लोगों का ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गया उसमें से एक दो लोगों का कंप्लेंट आया तो वो हमने चेंज करके दे दिया एंड इट इज इजी, इट इज यू नो डूएबल। अब जो लोग हमारे क्लाइंट नहीं है तो हमारे यहाँ तो रूल ऐसा है कि हम लोग विदाउट बिल जिन्होंने कहीं और से परचेस किया तो हम उसको एंटरटेनिंग नहीं करते, तो हम लोग सिर्फ लाइसेंस एयरगन डीलर के ही गन्स को छूते हैं, वरना हम किसी को छूते ही नहीं। दूसरी टाइप की गन आती है ऐसी मैगजीन वाली गन, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास पुरानी मैगजीन किसी की पड़ी हुई है, इस टाइप की मैगजीन की गन, ये ग्लॉक की गन है, ये क्रॉसमैन की गन है, ये अलग अलग पिस्टल है। अब इन गन्स में क्या दिक्कत आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल मार्केट में, मतलब पहले तो अब इंडिया में जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया में कुछ लोग क्या करते हैं सस्ते CO2 लेके आ गए हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट लोग क्या करते हैं देसी से, नो आप ऐसे ब्रांड के कभी नाम आपने सुना नहीं होगा या फिर कोई लोकल ब्रांड का, या ऐसे गन्स जो है ना हमारे पास जो क्लाइंट है जो हमसे लेते हैं एयरसॉफ्ट गन्स के और वो यूज करते तो नहीं, कई लोग बार क्या करते हैं लोग लोकली किसी और का CO2 इस्तेमाल कर लेते हैं और उनका जो ऊपर का वॉल्व है वो थोड़ा बड़ा होता है या थोड़ा सा ऊपर खावड़ होता है, उसके वजह से क्या है मैगजीन अंदर से खराब हो जाती है। तो कभी भी या तो आप उमरेक्स इस्तेमाल करो या फिर जो हमारा है हमने बनवा ही वैसे है ताकि दिक्कत ना आए, तो कभी भी दूसरे ब्रांड का इस्तेमाल ट्राई करिए अवॉइड करने के लिए, या फिर अगर आपका जो जिससे भी आप खरीद रहे हो अगर वो आपको दे रहा है तो आप फिर उनसे बात कर सकते हैं, बट हमारे क्लाइंट्स को इसलिए इशू जो है मैंने बताया कम आता है क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो भी आते हैं तो दूसरे कहीं और से परचेस किया होता है। तो डोंट बाय अ चीप CO2 ना, तो CO2 आप जो प्रॉपर करो और वैसे भी अगर आप बल्क में लोगे तो बढ़िया ही चलता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल इट, ये वीडियो सेलिंग के लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो कभी ऐसा मत सोचेगा कि हम अपना कोई सामान आपको बेच रहे हैं, ये वीडियो इज नॉट फॉर दैट। तो इसलिए आज हो सकता है इस वीडियो में ना कहीं नंबर वंबर भी ना डालूं हम, तो वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। प्लीज 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 जो है CO2 थोड़ा प्रॉपर इस्तेमाल करिए। तीसरा, लोग क्या करते हैं पेलगन ऑयल, मैं हमारे क्लाइंट की भी बात कर रहा हूं। अब देखिए ये गन्स ना महंगी है, महंगी होने की वजह से क्या कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, बट सर्टन चीज आपको करनी पड़ती है ना, गाड़ी में आपको ऑयल इंजन ऑयल वगैरह सब तो डालना ही पड़ता है, तो प्लीज ऑयल डालना बहुत जरूरी है पेलगन ऑयल, और कितना डालना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो है गन के अंदर 2 CO2 आपने फायर कर लिया, 2-3 CO2 आपने एक बार फायर कर लिया, उसके बाद जब आप CO2 लोड कर रहे हैं उसमें 1 ड्रॉप पेलगन ऑयल आपको डालना है उसके अंदर CO2 की टिप के ऊपर और यूज करना है। बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना है, बहुत कम यूज नहीं करना है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है उसको देख लीजिए, या मैंने एक पेलगन ऑयल का पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसको जाके देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेलगन ऑयल इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे क्या होता है कि पूरी सीलिंग विलिंग की टेंशन ही नहीं हो, जिंदगी में जो है कभी इशू ही नहीं आता है। अब इन गन्स में और क्या इशू आता है, बहुत से लोग क्या करते हैं गन में CO2 डाला, 10 शॉट चलाया, 20 शॉट चलाया, उसके बाद है तो हम इंडियंस ही, ठीक है, देखो इसमें ऑफेंस भी मानना, वी आर इंडियंस, तो हम लोग क्या करते हैं कहते हैं यार हम ना कल चलाएंगे, परसों चलाएंगे या एक हफ्ते बाद चलाएंगे, हम ना CO2 इसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं। उससे क्या होता है कि इसके अंदर की सील खराब हो जाती है, और ये सबसे मेजर कारण है इस सील खराब होने का। अब एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग गन्स के बारे में जानते हो, मैगजीन मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में, गन तो फिर भी आपको एक बार गन आप खरीदोगे इतनी महंगी ना 40-50 हजार रुपए की गन, बाहर तो बहुत सस्ती है 10-12 हजार रुपए में आ जाती है, $100 मतलब 8-9 हजार रुपए की शिपिंग सुपिंग भी पकड़ लो तो 15-20 हजार की, तो आपको लगेगा कि इतनी ओवर प्राइस गन खरीद रहे हो इंडिया में, गन तो फिर भी जाती है, मैगजीन ओवर प्राइस जब आप खरीदोगे ना तो आपको बहुत दर्द होगा, बहुत चुभेगा, 15 हजार रुपए 8 से 15 हजार के आसपास की मैगजीन आती है, बट अवेलेबल नहीं है, मैगजीन मिलता ही नहीं है, मतलब साल में कभी कभी हमारे पास आता है और वो आउट ऑफ स्टॉक फट से हो जाता है, और वो भी सारे मॉडल का नहीं आता। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप मैगजीन का ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं या तो मैगजीन को ड्रॉप कर देंगे, अगर आपने इसको गिरा दिया तो ये रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर मतलब अगर इसका कुछ टूट गया कुछ ब्रेक हो गया तो ये रिपेयर नहीं होता, इसका स्पेयर पार्ट मिलता ही नहीं है, इन गन्स का किसी का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता,
तो अगर बाई चांस आपने इसको गिरा दिया और वो टूट गया तो 99% चांस है कि वो रिपेयर नहीं होगा। लीकेज सीलन कुछ गन्स का इजी हो जाता है, कुछ गन्स अभी मैं उस पर आ रहा हूं, आगे बात करूंगा। अगर आपने ऐसे किसी गन का अब आपने टेढ़ा लगाया और उसको उसको कस दिया और अगर उसके अंदर का आपने पिन तोड़ दिया तो वो रिपेयर नहीं होगा। इफ यू आर लकी तो आपको नई मैगजीन जो है 3-4-5-6 महीने में मिल जाएगा, बट उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं। और क्या दिक्कत आती है, ये गन मेरे पास आया था, ये दिस इज द PX4। जनरली ये गन आती नहीं है, ये पहली बार किसी क्लाइंट ने दिया था। तो इस गन के अंदर क्या दिक्कत था, इसके अंदर जब इसको हमने चेक करवाया तो अंदर ना बहुत सारा वो था, क्या कहते हैं उसको, रस्ट। लोग क्या करते हैं, कई बार यूज किया थोड़ा पानी चला गया फिर वो छोड़ देते हैं कि क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर भी मेटल के पार्ट्स, अगर आपको बाहर से पॉलीकार्बोनेट को लग रहा है, अंदर मेटल के पार्ट्स हैं, उसके अंदर रस्ट पकड़ सकता है। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि रस्ट ना हो जाए। तो प्लीज इसको प्रॉपर गन बॉक्स में रखें। अब कई लोग बोलेंगे नहीं रस्ट तो कैसे लग सकता है, हो सकता है कि पानी में ना गया हो। देयर आर चांसेस कि उन्होंने उसको अलमीरा में रखा होगा, अलमीरा और ये जम्मू साइड का है तो उसके अंदर पानी ऐसा कुछ मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर, तो प्रॉपर गन बॉक्स बॉक्स में ही रखिए। स्टोरेज देखिए, ये भी एक जो है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टॉय, तो उसका थोड़ा सा जो है प्रॉपर केयर करिएगा। एक और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है गन खराब होने का, मेरे पास मैगजीन बहुत है, मैं भूल गया। कई लोग क्या करते हैं, मतलब कई, जब मैं कई बोल रहा हूँ, हजारों में से एक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोचिए हरविंदर, कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने बुलेट फायर किया, उसके बाद वो दीवार में टकरा करके या फिर किसी बॉक्स में से नीचे गिरा, वो दोबारा उस बीवी को इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी गन जो है मिट्टी हो जाएगी। क्यों, इसके बैरल जो होते हैं अंदर के, उसके अंदर कट्स आ जाते हैं और वो बिल्कुल गन खराब हो जाएगा। इसके बैरल वैरल आप इंडिया में नहीं ढूंढ सकते, इसका स्पेयर पार्ट बिल्कुल नहीं मिलता। तो कभी भी यूज्ड बीवी इस्तेमाल नहीं करना है। सेम विद पैलेट, पैलेट जो है अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करिए, जो ब्रांड हम लोग बेसिक, ये सिंपल है, दिस इज बेसिक वन और ये सबसे अच्छा है, तो आप उसको इस्तेमाल करिए। कई लोग क्या करते हैं ऐसे वाले मैगजीन में से, ये बरेटा का है, इसके अंदर फ्लैट जो है वो डलती है पैलेट्स। इसके अंदर कई लोग क्या करते हैं कि पॉइंटेड पैलेट देते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर पॉइंटेड पैलेट नहीं देखोगे या फिर मैं एडवर्टाइज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर पॉइंटेड पैलेट डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर कटना इस्तेमाल हो जाता है, गन्स में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ट्राई टू बी वेरी बेसिक, गन को बहुत बेसिक तरीके से चलाइए, प्ले अलॉन्ग विद इट। ऐसा नहीं करिए कि स्पेशल बीबीज डालिए, स्पेशल पैलेट्स डालिए, यूज्ड पैलेट्स डालिए, CO2 स्टोर करके रख दीजिए। अगर आप इन गन्स की केयर नहीं करोगे, अगर आप इन गन्स को जितने की ये वैल्यू की आपने खरीदी है उतने की आप इसको तवज्जो नहीं दोगे, ये गन्स खराब हो जाएंगी और चांसेस है कि वो रिपेयर नहीं होंगी। विद सेइंग दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि गन खराब होती है, अगर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो ये सालों साल चलती हैं, दिस इज गुड। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब उनके दादा ने ना बाहर से खरीद के लाए थे, हम बोलते हैं सर मेरे दादा ने मुझे गिफ्ट की थी, वो बाहर से लेके आए थे, और अब इसका बीबी वगैरह मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, उनको पता भी नहीं होता कि CO2 डलता है या ग्रीन गैस डलता है। तो इतने सालों साल लोगों के पास पड़ी हैं, चल रही हैं, बट बाकायदा आप इसको प्रॉपर तरीके से चलाएं। जब आप किसी न्यू यूजर को दे रहे हो, अगर आप किसी दोस्त या चाचा को दे रहे हो या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को दे रहे हो, मेक श्योर यू एजुकेट देम हाउ टू यूज इट और प्रॉपरली यूज करिए। मैनुअल आपके साथ आ जाता है, मैनुअल को पढ़िए। अगर आप उसको ढंग से नहीं चलाएंगे, गन आपकी बर्बाद हो जाएगी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन गन्स के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है, या फिर आप हमें ईमेल करिए airsoftwareindia@gmail.com। और कुछ जानना हो और कुछ पूछना हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।